सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार कल हम लेट हो गए थे, तो कल का कोई भी प्लान जो शाम का हमारा था वो मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि काफ़ी लेट हुए थे और फिर थक भी गए थे तो जाके हम सो गए थे। तो आज हम निकल रहे हैं वापस शांगला के लिए और गाड़ी की हालत चेक करो यार, इतनी गंदी हालत है ना। और ये देखो, ये तो इतने प्यारे हैं ना, बस साथ में आगे बैठ जाते हैं जैसे कोई भी गाड़ी से आता है या उतरता ना। और ये गाड़ी की हालत चेक करो, यहाँ से तो थोड़ी साफ़ कर ली है, बाकी हालत बहुत ही गंदी है गाड़ी की। अभी कोल्ड स्टार्ट करके रखी हुई है और अभी फ्यूलिंग करनी है और बाकी सब आ रहे हैं, तो जैसे ही वो आते हैं तो फिर निकलते हैं आगे सांगला के लिए। तो अभी फ्यूलिंग करने निकलेंगे, तो लेट्स गो। तो फाइनली यार सबकी पैकिंग हो चुकी थी, लगेज सब ने रख लिया हुआ है और अभी निकलने लगे हैं यहाँ से। और ये कुछ व्यू था यहाँ से टॉप से, वहाँ पे नीचे सारे लगेज वगैरह रख रहे हैं, निकाल रहे हैं। और वो हमारा जो रेड वाला है ग्रीन के पीछे, वो हमारा स्टे था। और ये व्यू चेक करो यार, क्या ऑसम व्यू है। रात को टेम्परेचर था -33 और अभी नॉर्मल है, अभी है -10, तो धूप भी निकली हुई है तो इसलिए इतनी गर्मी नहीं है। तो अभी जस्ट निकल रहे हैं, अगला स्टॉप है हमारा नाको, तो वहाँ जाके मे बी नाको लेक देखेंगे अगर टाइम लगा तो। और मेन डेस्टिनेशन हमारी आज की है सांगला, तो सीधे वहाँ जाके रुकेंगे। तो चलो निकलते हैं। फ्रंट से हमने गाड़ी अपनी थोड़ी साफ़ कर दी है, साइड से गंदी है और फॉर्चुनर स्कॉर्पियो ऊपर आ चुकी है, बाकी गाड़ियाँ नीचे हैं। तो चलते हैं आगे। और तो यार अभी बीच में हॉल्ट लिया हुआ है क्योंकि कुछ गाड़ियाँ पीछे रह गई हैं। और ये व्यू चेक करो और ये गाड़ियाँ चेक करो, कुछ गाड़ियाँ पीछे हैं अभी और उन्हीं का वेट कर रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा व्यू है यार, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, धूप भी काफ़ी तेज़ है लेकिन ठंडी हवा भी काफ़ी तेज़ है। तो बाकी गाड़ियाँ आती हैं तो निकलते हैं आगे। अभी रैम पीछे रह गया थोड़ा, उसका कुछ इश्यू आ गया था, बाकी गाड़ियाँ सारी आ चुकी हैं। तो अभी सीधा चलेंगे नाको, वहाँ पे आपको दिखाते हैं नाको लेक, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो भाई ये है मून शेप पहाड़, जिसे देख सकते हो, ये रास्ते में ही आते हैं जब हम नाको की तरफ जाते हैं टैपो से। तो फाइनली यार हम पहुंच चुके हैं नाको लेक के पास, बाकी का ग्रुप हमारा आगे चला गया और यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी कर दी हुई है। तो अभी सीधे चलते हैं नीचे और आपको दिखाते हैं नाको लेक। तो ये है रास्ता यार नाको लेक के लिए, वो सामने नीचे जो है वो है नाको लेक जो कि फ्रीज्ड है सारी। और ये छोटा सा गांव है यहाँ पे और यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है, उतरना तो आसान है, लेट्स सी चढ़ने में कितनी प्रॉब्लम आती है हमें। काफ़ी ज़्यादा ब्लैक आइस है यहाँ पे, तो बहुत ही स्लो चलना पड़ रहा है। तो जहाँ जहाँ पे तो धूप पड़ रही है वहाँ से तो ब्लैक आइस बिल्कुल हट चुकी है, जहाँ पे प्रॉपर नहीं आ रही है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लैक आइस है। तो यार ये है नाको लेक जो कि पूरी फ्रीज है, वहाँ पे बच्चे थोड़े खेल रहे हैं। यहाँ से अभी थोड़ा सा पानी दिख रहा है, ये फ्रीज नहीं है, बाकी पूरी फ्रीज हुई पड़ी है। यहाँ पे तो स्केटिंग भी होते थे, इस बार नहीं कर रहे हैं ये, वहाँ पे पानी फ्रीज नहीं, इधर हो जाना, कुछ नहीं होता। वो देखा बच्चे कैसे नाच रहे हैं। तो ये पूरी लेक है यार, बाकी व्लॉग्स में तो मैंने देखा था कि यहाँ पे स्केटिंग होती थी बट यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। इन्होंने मे बी वो स्पीति वैली में जो इनका फेस्टिवल होता है तो वहाँ पे गए हैं, यहाँ पे इन्होंने इतना नहीं करा हुआ है। और बहुत ही अच्छा व्यू है यार, एक प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड जितना पूरी लेक है ये, और फ्रीज होके तो और भी बहुत अच्छी लग रही है। और यहाँ पे होम स्टेज हैं, यहाँ पे अगर किसी ने रुकना हो तो वो भी रुक सकता है, यहाँ पे होटल नहीं है, होम स्टे टाइप सब ने रखा हुआ है यहाँ पे भी। और यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है, वहाँ पे ऊपर भी कोई इनकी रिलीजियस प्लेस है जहाँ पे वो जो टॉप पे है, वहाँ पे तो अभी हम जाएंगे नहीं क्योंकि हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है। तो
अभी सीधा निकलते हैं आगे नाको के लिए, फिर आपको मिलते हैं आगे वॉशिंग सेंटर पे। तो फाइनली यार पहुंच चुके हैं होटल में और अभी सब लोग यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि सब लोगों के जो भी रूम्स वगैरह हैं वो अलॉट होने, और अभी डिनर टाइम भी है तो अभी डिनर भी लगेगा थोड़ी देर में। तो कुछ लोग तो यहाँ से सारे फ़ोन्स वगैरह में अपना डाटा ले रहे हैं और हम वेट कर रहे हैं रूम का। तो जी सो फाइनली यार पहुँच चुके हैं रूम में और काफ़ी लेट हो गया क्योंकि काफ़ी ख़राब रोड था सांगला का, मेन रोड से है कोई अराउंड 30 किलोमीटर ऊपर ये। तो अभी डिनर करेंगे और सोते हैं और कल निकलेंगे शिमला के लिए। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की मॉर्निंग हो रही है स्टार्ट हमारी स्नोफॉल से, जो हम स्पीति में एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो हमें मिली नहीं, बट यहाँ हमें मिल चुकी है। तो अभी जस्ट निकल रहे हैं यहाँ से शिमला के लिए, तो चलते हैं। थोड़ा सा रिस्की रोड है तो इसलिए आगे जाके कंटिन्यू करते हैं। कनेक्टिविटी के नाम पे भी तो भाई ये है इंडियाज़ मोस्ट डेंजरस रोड, जो कि बहुत ही छोटा रोड है। कोई भी गाड़ी आगे से आएगी तो यहाँ से पास होना बहुत ही मुश्किल है, काफ़ी रिस्की रोड है। तो यार अभी पहुँचे हैं हम रामपुर और यहाँ पे करवा रहे हैं फ्यूलिंग, और गाड़ी थोड़ी सी बारिश की वजह से साफ़ हो चुकी है। और अभी ऊपर स्नो हो रही थी, स्नोफॉल हो रहा था और यहाँ पे बारिश हो रही है, और ये सामने पूरे पहाड़ ढक चुके हैं धुंध से। बहुत ही अच्छा व्यू है और गाड़ी तो अच्छी लगी रही है। तो अभी जल्दी जल्दी फ्यूलिंग करके निकलते हैं शिमला के लिए। तो फाइनली यार पहुंच चुके हैं शिमला और ये है अपना स्टे। अभी गाड़ी वाला देख लो, तो बाकी लोग तो अभी यहीं पे रुक रहे हैं, मैं भी हम चंडीगढ़ को निकलें। अभी पहले डिनर करेंगे फिर देखते हैं, और ये है कुछ सीन्स। तो निकलते हैं और मिलते हैं आपको कल।